हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ RTX लाइक शेडर फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो ये जो शेडर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, मैंने पूरा शेडर का लुक दिखाया है आपको। डाउनलोड लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना एक बार। ये जो शेडर पैक है काफ़ी ज़्यादा कलरफुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको कैसे एक्टिवेट करना है वो भी मैंने बताया एंड में, तो एंड तक देखना। और यहाँ पर आप देख सकते हो शेडर है काफ़ी ज़्यादा कलरफुल शेडर है। वाटर का टेक्सचर आप देख सकते हो, जो शेडर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लाउड्स भी काफ़ी ज़्यादा रियल लगते हैं इसमें, मतलब काफ़ी अच्छा मेरे को लगा ये, क्योंकि इसमें देख सकते हो कितना अच्छा आपके यहाँ पे एनवायरमेंट मिल रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का नाइट का व्यू मिलेगा, और यहाँ पे मून को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। यहाँ पे आप डर्ट देख सकते हो, लाइटिंग के लिए देख सकते हो टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है। मतलब जो शेडर है काफ़ी ज़्यादा कलरफुल शेडर है, इसका नाम भी कलरफुल शेडर है, तो ये कलरफुल शेडर भी है और काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। आप ज़रूर से इसको ट्राई कर सकते हो अगर आपको कलरफुल शेडर पसंद हो और आपको एकदम वार्म अच्छा ब्राइट इन्वायरमेंट पसंद हो। अगर आपको ब्राइट इन्वायरमेंट पसंद हो तो आपको ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार वेदर भी चेंज करके दिखा देता हूँ और थंडरस्टॉर्म कर लेता हूँ। तो थंडरस्टॉर्म में भी इसका लुक अच्छा आता है, डिसेंट लुक आता है। बाकी जो अच्छा लुक है वो आपको नॉर्मल वेदर में मिलेगा। नॉर्मल वेदर और डे टाइम का जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना एक बार। तो कुछ इस तरीके का देख सकते हो गेम प्ले आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग आपको यहाँ मिल रही है। तो मैं बता देता हूँ आप इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना होगा ग्लोबल रिसोर्सेज में, और यहाँ पे आपको नीचे जाके यहाँ पे माय पैक्स में जाना होगा, और यहाँ पे आपको कलरफुल शेडर BE 1.17 को एक्टिवेट कर देना होगा। आपको ये नहीं देखना है कि 1.17 है तो वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा 1.19 में भी, और रेंडर डायग्राम के साथ वर्क करेगा। मैंने खुद वर्क किया करा है मेरे वर्जन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने नीचे जाया है और यहाँ पे भी एक्टिवेट कर देना है, रिसोर्स पैक में भी एक्टिवेट कर देना है। फिर सिंपली क्या करना है, वर्ल्ड क्रिएट कर देना है। तो ये जो शेडर है आपके रेंडर ड्रैगन में भी चलेगा और सब में चलेगा, बिहेवियर पैक में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जरूर उसको ट्राई कर सकते हो। मैं 1.19.50 में खेल रहा हूँ, जो कि माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये। तो बताना आपको कैसा लगा ये शेडर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।